दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से बात करने वाले हैं पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इसको आज मैं फिर से दोबारा क्यों लेकर आया हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है। आप देखिए, जब मैंने वीडियो बनाया था तभी 434 के प्राइस पे था और मार्केट कैप 500 करोड़ का था, और मैंने वीडियो अपलोड किया था 3 दिसंबर को, आप जाके चेकआउट कर सकते हो 3 दिसंबर 2023 को। अब इसका प्राइस कितना है आप देख पाओगे कि 2338 रुपए के प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कहाँ ये 500 के नीचे का प्राइस था, आज 2338 रुपए है, और ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप समझिए कि साल भर भी नहीं हुए हैं। मार्केट का 500 करोड़ था, अब 3000 करोड़ के आसपास है। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या स्टॉक इस लेवल पर खरीदने लायक है भी या नहीं है, क्या कोई विशेष न्यूज है इस स्टॉक में, ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दोस्तों कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, यहां पे केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए स्टॉक्स का डिस्कशन किया जाता है। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी एक चीज तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह स्टॉक वाकई में अच्छा है, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो वाकई में अच्छा है। रिसाइकलिंग का बिजनेस, आप एक सिंपल तरीके से आप सोचिए कि ये बिजनेस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यह स्टॉक एक साल के अंदर ही 5 टाइम से ज़्यादा भाग चुका है। तो इसलिए मैं आपको अभी खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन आप इसके बिजनेस को देखिए, क्या इस तरह के जो वेस्ट हैं क्या भविष्य में उत्पादित नहीं होंगे, क्या इनको रिसाइकलिंग करने की प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस सस्टेन करेगा तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, अगर आपको यह लगता है कि यह बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा तो आप बिल्कुल इससे बाहर आ सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, भारत अब विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो इस सभी बिजनेसेस जो है ना वो आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये कंपनी लेड अलॉय, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और ट्रेडिंग लेड, इस तरह से जो प्रोडक्ट हैं इसमें डील करती है, इन वेस्ट के माध्यम से ये प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस कंपनी के पास एम्प्लॉई हैं 500 प्लस एम्प्लॉई हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 1,66,950 मीट्रिक टन कैपेसिटी पर एनम का उत्पादन करती है, और आप देख सकते हैं मतलब कि उसको रिसाइकलिंग करती है, और 28 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। कंपनी काफ़ी छोटी थी जब मैंने डिस्कस किया था, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो क्लाइंट हैं उसको आप देखिए, क्लाइंट में आप देखेंगे कि अमर राजा जैसी कंपनियां हैं, जीएस भी है, उसी के साथ पैनासोनिक जैसी कंपनियां हैं, आप लोग जानते होंगे, टीबीपी भी है। तो आपको क्या लगता है, एक चीज़ और है इस कंपनी में जिसके कारण कि ये स्टॉक इस तरह से भाग रहा है। अभी आप देखिए कॉपर रिसाइकलिंग का बिजनेस भी है, इसने जब अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा ना तो उसके बाद ये रुकने का नाम ले लिया। एक बार देखते हैं कंपनी का चार्ट, स्टॉक का चार्ट, और फिर बाद में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कॉपर रिसाइकलिंग के भी काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ये इनके प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको बताया था, लेड अलॉय, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और ट्रेडिंग, ये इस तरह के इनके प्रोडक्ट हैं। और इनके अगर आप देखना चाहें कि कंपनी के बारे में देखना चाहें तो यहाँ पे आके इनके कंपनी को के बारे में जान सकते हैं। इन्वेस्टर रिलेशन के बारे में इनके वेबसाइट पे आके ज़रूर आप आइएगा और इसको पढ़िए और जानिए कि कंपनी का वाकई में क्या कुछ है, क्या कुछ नया है। तो चलिए अब देख लेते हैं धीरे से चार्ट को। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसका जो क्या बोलते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई था, आप देखिए कि इसको तोड़ने के बाद कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया। यहाँ पे भी स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था जो ये था, इसके बाद आप देखिए कि सीधे सीधे यहाँ से दोगुना हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ। तो और अब देखिए यहाँ पे अब ये स्टॉक यहाँ से ये प्राइस तोड़ने के बाद, चूँकि गवर्नमेंट ने भी फोकस कर दिया, टेलविंड था, और जिसके चलते कि ये स्टॉक भाग रहा है। जिसके पास है इत्मीनान से बैठ रही है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अगर आपके पास 100% से
ज़्यादा आपकी अगर आप मुनाफे में हैं तो इत्मीनान से बैठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों मुझे तो ये स्टॉक बेहतर लगता है, लेकिन इस प्राइस पे खरीदना रिस्की हो सकता है। ध्यान रहे आपको इस प्राइस पे इस शेयर को नहीं बाय करना है, ये बात ध्यान रहे। इससे सस्ता बिजनेस उपलब्ध है, आप नायल को एक बार ट्रैक कर सकते हो, नायल को देख सकते हो। नायल अगर आपको 2000 रुपये के प्राइस के आसपास मिलता है तो मुझे तो बेहतरीन लगता है। नायल का चार्ट आप देखिए कि गिरावट लगातार जारी है और 2000 के प्राइस के आसपास सपोर्ट है। 700 करोड़ का मार्केट कैप है नाइल का, अभी छोटी सी कंपनी है, वो भी रिसाइकलिंग के बिजनेस में काम कर रही है। दोस्तों स्टॉक प्राइस के भागने का कई रीज़न हो सकता है। रीज़न पहला रीज़न हो सकता है कि कंपनी कुछ अनाउंसमेंट की हो, इसमें अनाउंसमेंट भी है और प्लस टेक्निकल व्यू भी है। अनाउंसमेंट क्या है कि ये कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट करने वाली है। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, इसका जो फेस वैल्यू है अब वो घट के 5 ही रह जाएगा। यानी आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलेंगे। ये कंपनी में एक स्प्लिट की न्यूज है और इसके चलते भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। दूसरी जो न्यूज है कि कंपनी जो है कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही है। ये जो कंपनी का ऑल टाइम हाई था, इसको इसने ब्रेक किया और आप देखिए कि आज इस प्राइस पे है। तो टेक्निकली और प्लस न्यूज बेस ये ब्रेकआउट था जिसके कारण कि यह स्टॉक इस प्राइस पे पहुंच गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आपके पास नए स्टॉक आ जाएंगे। भागे हुए स्टॉक को जो कि साल भर के अंदर ही 4-5 times हो जाता है, उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर आपको ऐसे भी स्टॉक में जाना है तो आप डेटा सेंटर के किसी स्टॉक को चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक CAGR ग्रोथ होने वाला है वो 50% CAGR के हिसाब से कंपनियां ग्रो करेंगी। मतलब कि ये सेक्टर ही पूरा 50% CAGR के हिसाब से ग्रो करने वाला है। कंपनियां तो बहुत CAGR के हिसाब से ग्रो कर सकती हैं, उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें पोटेंशियल मुझे इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी पोटेंशियल है। लॉन्ग होराइजन में आप इसको छोड़ नहीं सकते दोस्तों। तो ये रहा वीडियो रिसाइकलिंग बेस्ड कंपनी पोंडी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड के बारे में। आपको यह शेयर कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।